नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं टाइल्स के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपना घर बनवाते हो तो ऐसे में टाइल्स अगर आप लगवाना चाह रहे हो तो टाइल्स बहुत सारी जगहों पर लगाई जाती हैं। यहाँ पे आप फ्लोरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप बाथरूम में की फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दीवार में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, किचन में की फ्लोरिंग के लिए, किचन के दीवार में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इन सभी तरह की टाइलें, अलग अलग तरह की टाइलें आती हैं। तो इनमें कौन सी टाइलें, कौन सी कंपनी की टाइलें आपको अच्छी रहेंगी, ये मैं आज की वीडियो में बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैं टॉप 10 टाइल के ब्रांड्स बताने के लिए आया हूँ, जो कि आप इन ब्रांड्स के टाइल लोगे तो बिल्कुल चिंता रहित ले सकते हो। लेकिन उससे पहले हम टाइल्स के बारे में कुछ बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब टाइल लगाते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बाथरूम में कौन सी टाइल लगा रहे हैं, हम हॉल में कौन सी टाइल लगा रहे हैं, या फिर किचन में कौन सी टाइल लगा रहे हैं। और बड़ी सावधानी से हमें इन सब टाइलों का सिलेक्शन करना पड़ता है, डिज़ाइन का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसे में डिजाइन में जो होता है बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। यहाँ पे ब्रांडेड टाइल्स में वैरायटीज आती हैं और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में वैरायटीज आती हैं। जबकि देखा जाए तो नॉन ब्रांडेड टाइल में ज्यादा वैरायटीज आती हैं। तो बहुत लोग जो है ब्रांडेड टाइल प्रीफर करते हैं और ये अच्छा भी है। बहुत लोग ऐसे टाइल प्रीफर करते हैं जो कि ब्रांड में ही बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स आती हैं, उनको प्रीफर करते हैं। तो कौन सी टाइलें लगानी चाहिए, मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको आज की वीडियो में दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज दोस्तों नीचे लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। इस तरह की बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूं और टाइल से जुड़े हुए, घर में जुड़े हुए मैं बहुत सारी वीडियोस ला भी चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहां जाकर जरूर उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको घर बनाने टाइम पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, आपको कौन सी टाइलें यूज करनी चाहिए, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड। दोस्तों ब्रांडेड टाइल में भी बहुत अच्छी टाइलें आती हैं और नॉन ब्रांडेड टाइल में भी बहुत अच्छी टाइलें आने लगी हैं, और इतनी अच्छी आने लगी हैं कि एक पल को की क्या होता है कि आपका ब्रांडेड टाइल को कंपेयर करती है, बीट करती है अगर आप एक टाइम पे देखोगे। क्योंकि दोस्तों वहां पे नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी इतने सारे डिजाइन आने लगे हैं, इतने सारा सब कुछ मतलब टक्कर का आने लगा है कि आप देखोगे तो पता ही लगेगा ब्रांडेड टाइलें अच्छी हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइलें अच्छी हैं। आपको एक टाइम पे देखने पे लगेगा कि नॉन ब्रांडेड टाइलें अच्छी हैं, क्योंकि लोकल जो ब्रांड्स होते हैं वहां के वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं उन टाइल्स के ऊपर और फिर उनको मार्केट में उतारते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसी टाइलें भी यूज करते हैं जो कि बहुत अच्छी टाइलें होती हैं, आप इन टाइलों को भी यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं जो मैं आज 10 ब्रांड बताने वाला हूं उन्हीं टाइलों को यूज कीजिए। मैं यहां पे कहूंगा कि आपको जो भी टाइलें अच्छी लगती है, चाहे ब्रांडेड टाइल्स हो चाहे नॉन ब्रांडेड टाइल्स हो, उनको यूज कर सकते हैं। बस टाइल को लेते टाइम पे आप जरूर ध्यान रखिए, प्राइस कंपेयर कीजिए, टूटी टाइलें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप टाइल दुकान से खरीद करके लोड करवा के ले जाते हो तो लोड करवाते टाइम पे ध्यान दीजिए, टाइल लगवाते टाइम पे एक अच्छा जो मिस्त्री को चुनिए, मतलब एक अच्छे लेबर को चुनिए जो भी आपका टाइल लगा रहा है। क्योंकि ऐसे में अगर अच्छे मिस्त्री, अच्छे लेबर आपको नहीं मिलेंगे, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे, तो जो कितना भी अच्छा टाइल लगा ले आप, कितना भी अच्छा टाइल लाए लेके आ जाए, उसमें आपको इतना खराब हो जाएगा कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कितनी भी महंगी टाइल लगा रखी हो। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब भी आप टाइलें खरीद रहे हैं, टाइलें लेकर के आ रहे हैं अपने घर के लिए, तो उन टाइलों को ध्यान दीजिए जब भी, जो कि उसमें आपने प्राइस कंपेयर कीजिए। सबसे पहली बात, टाइल खरीदते टाइम पे देखिए कि उनके एजेस देखिए, और प्लस एक लॉट की टाइल लीजिए। अगर नॉन ब्रांडेड टाइल ले रहे हैं तो खासकर एक लॉट की टाइलों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको जितनी क्वांटिटी की जरूरत है उससे ज्यादा क्वांटिटी में टाइल है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास, आपको 2000 स्क्वायर फीट टाइल की जरूरत है और दुकानदार के पास कह रहा है कि उसके पास 1000 स्क्वायर फीट टाइल है और आपको बाकी मंगा के दे देगा। आपने 1000 स्क्वायर फीट ले लिया और उसके पास उस टाइम टाइल नहीं मिलती है उसके बाद, तो वो क्या करेगा, आसपास लोकल दुकानों में पता करेगा, और बाय चांस आसपास दुकानों में भी नहीं मिलती है वो फिर से आगे से बोल के जब बनवा के मंगाएगा। तो दोस्तों ऐसे में नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको 10% डिफरेंस देखने को मिल जाएगा पहले की टाइल्स और टाइल्स में। डिजाइन एक ही होगा मगर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और ऐसे में ये बहुत ही भद्दा लगता है देखने में, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 10 ब्रांड जो कि मैंने आपको बताया। अब मैंने जैसे कि कहा कि इन 10 ब्रांड्स के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं टाइल्स के, जो कि आप ले सकते हो, लगा सकते हो। लोकल ब्रांड्स भी बहुत अच्छे ब्रांड्स आने लगे हैं, वहां पे भी आप उन टाइलों को देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 10 ब्रांड्स की जो इंपॉर्टेंटली, जिसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, इन ब्रांड्स को आप प्रिफर सबसे ज्यादा कर सकते हो अपने घर में। ये बहुत लंबे टाइम से हमारे देश में काम कर रहे हैं ये टाइल कंपनियां, और इन टाइलों को बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं। ये
आप जिसमें भी इन टाइलों को यूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं सभी टाइलें इन ब्रांडेड में कवर करती हैं, ये ब्रांडेड कवर करती है, चाहे आप पार्किंग टाइल्स ले लीजिए, चाहे आप किचन टाइल ले लीजिए, चाहे हॉल टाइल ले लीजिए, जो भी टाइलें हैं ये सारी ब्रांडेड सारे टाइलें कवर करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, और ये मैं इन जो टॉप 10 है ये लिस्ट मैंने कहाँ से बनाई है, सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में टाइल ये उनमें से लिस्ट है, और सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, सबसे ज्यादा नाम है इनका मार्केट में, सबसे ज्यादा सेल है इनका मार्केट में, प्लस कि इनके कितना मैन्युफैक्चर करती है कंपनियां, ये उस हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई है। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, मैं ये लिस्ट आपको, मैं यहां पे कोई कंपेयर क्या कहां पे कंपनी है ये सब कुछ नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि अगर आपके आसपास ये ब्रांडेड टाइल्स मिलती है तो आप इनको ले सकते हैं। कौन कौन से ब्रांड्स हैं, शुरू करते हैं। नंबर 11 पे दोस्तों टाइल आ जाती है वर्मोरा गर्नेटो, ये बहुत अच्छी टाइल कंपनी है, नंबर 11 पे जरूर है, मगर इसके अलावा भी इसके नीचे बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर नंबर 11 पे और बहुत अच्छी कंपनियां हैं, ये हर एक फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे पार्किंग टाइल्स हो, चाहे फ्लोर टाइल्स हो, जो भी टाइल्स हो, इसमें बहुत अच्छी टाइलें आ रही हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है सोमानी सिरेमिक, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 9 पर दोस्तों आ जाता है सिंपोलो टाइल्स आ जाती है दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है एशियन ग्रेनेटो, ये भी एक अच्छी कंपनी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों आ जाता है हमारा 7वें नंबर पे आ जाता है निटको टाइल्स, और दोस्तों इसके बाद आ जाता है जॉनसन टाइल्स, ये कंपनियां भी बहुत अच्छी कंपनियां, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये सारी कंपनियां जो है बहुत अच्छी कंपनियां, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों ओरिएंट बेल्ट आ जाती है, और इसके बाद दोस्तों सेरा सिरेमिक टाइल आ जाती है, और इसके बाद दोस्तों जो हमारा आ जाता है टॉप 3 का, ये टॉप 3 भी दोस्तों आ ही गए हैं, तो अभी तक इतनी वीडियो देख ली है दोस्तों, प्लीज नीचे लाल का बटन है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले। टॉप 3 का कंपनी पे दोस्तों हम अब आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारी टाइल की कंपनी आ जाती है बजाज टाइल्स, और फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारी आ जाती है एशियन ग्रेनेटो टाइल्स, और नंबर 1 पे कजारिया। इन कंपनियों के नाम आप सबने सुने होंगे दोस्तों, आपके आसपास लोकल में ब्रांडेड टाइल्स लगते हैं तो इन्हीं में से मैक्सिमम लगते हैं, और भी ब्रांड्स हैं दोस्तों, ब्रांड्स की कमी नहीं है टाइल्स में, ब्रांडेड टाइल्स में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो या ये 10 ही या 11 ही ब्रांड्स हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उनमें से भी मिलते हैं तो लगा सकते हैं। टाइल्स में कहीं भी कोई कमी नहीं आती है, थोड़ा बहुत आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा लेते टाइम पे, और मैंने क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं अभी वीडियो के एंड में और आई बटन में दूंगा उसका लिंक, आप जरूर वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये 11 कंपनियां थी, आई थिंक ये वीडियो बहुत यूजफुल और नॉलेजफुल रही आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और नए हैं तो दोस्तों हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट जलाकर बटन सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद जय भारत।